Babamla vedalaşma zamanı. Doktorların elinden gelen bir şey kalmadı. Buyurun izleyin. Ne işin var benim evimde? İnsanın kendi evinde ne işi olursa o. Evime geldim Emir Tarhun. Kendi evime. Hello friends, welcome back to my channel. So friends, Yemen season 4 की episode 413 की story तो बहुत ही ज़्यादा interesting होती जा रही है. आंटी कादरिया की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है और जब आमिर सबको इस बारे में बताता है कि डॉक्टर्स का कहना है कि अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अब शायद इनका आखिरी वक्त आ चुका है, तो फ्रेंड्स ये सुनकर तो सब बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं. इधर कादरिया आंटी वेदांत से कहती हैं कि फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके यहाँ पर रख दो, और वो रिकॉर्डिंग ऑन करके चली जाती है. इधर फ्रेंड्स तोले इस बात से अनजान होती है और वह समझती है कि आंटी कादरिया इस वक्त बेहोश हैं, तो वो फ़ोन पर किसी से कहती है कि जल्द ही ये बुढ़िया भी मरने वाली है और फिर मैं अपनी शादी की तैयारी में लग जाऊंगी. लेकिन फ्रेंड्स आंटी बेहोश नहीं होती और वो इसकी सारी बातें सुन लेती हैं और सोचती हैं कि मैं कितनी गलत थी, और वो गुलबई से भी कहती हैं तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं बहुत गलत थी, मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी एमिर को नहीं छोड़ोगी. और इधर फ्रेंड्स मेल्थम किसी को पैसे देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और नारीन किसी से मिलने के लिए जाती है और वो अंकल नारीन को बताते हैं कि केमाल की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. और इतने में फ्रेंड्स वो लड़का भी आकर इनसे कहता है कि ये चाहती हैं कि मैं कोर्ट में जाकर गवाही दूं, लेकिन मैं किसी के लिए कोई भी गवाही नहीं देना चाहता. इधर फ्रेंड्स अंकल हसन एमिर को समझाते हैं कि जंग एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है. दूसरी तरफ फ्रेंड्स फिदान एमिर को वो फ़ोन लाकर देती है और कहती है कि इसमें आंटी कादरिया ने अपने लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग करवाई थी, तो एमिर वो फ़ोन पकड़ता है. लेकिन फ्रेंड्स इतने में सेवाश वहाँ आ जाता है और एमिर इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो सेवाश एमिर से कहता है कि मैं किसी के घर नहीं बल्कि अपने घर में खड़ा हूँ, ये मेरा घर है एमिर तौरहान. तो फ्रेंड्स एमिर सेवाश की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसका क्या मतलब है. सो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, क्या सेवाश ने कि क्या सच में सेवाश ने एमिर का घर भी से छीन लिया है. फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा.